फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा फेस पैक आप लोग के साथ शेयर किया है जो इतना इफेक्टिव है, मैं आपको क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। उन लोग के लिए तो खास करके जिनकी मतलब ऐसे अभी बरसात का मौसम आ गया है तो हमारे फेस में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना चिपचिपाहट होती है, पसीना आता है, तो उनके लिए खास करके जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो ये फेस पैक यूज़ करोगे ना आप, अगर रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके फेस में ग्लो तो आएगा ही, साइन आएगी, साथ में आपके फेस में जो दाग धब्बे होंगे वो सारे हट जाएंगे, आपके फेस में पहले ज़्यादा साइन लगेगा और साथ ही आपके फेस में जो ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगा अगर आप इस तरीके से मेरी वीडियो देख के अगर इस तरीके से आप फेस पैक यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑयली स्किन जिनके उनके लिए है, ये सारे स्किन टाइप में सब लोग लगा सकते हैं। बट अगर आप लोग जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसमें फिर आप मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसमें आप क्या यूज करके इसको यूज कर सकते हो, बट ये क्या सारी स्किन टाइप के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं, बस आपको जाना अपने किचन में, वहाँ से लेना दही। दही आपका घर का बना हो या मार्केट का दोनों ही चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ दही लिया है और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे एलोवेरा जेल जो मैंने प्लांट से लेके बनाया है घर पे। आप चाहो तो मार्केट का भी ले सकते हो, दोनों ही आप ले सकते हो। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है चुटकी भर हल्दी। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऑप्शनल, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो हल्दी आप स्किप कर सकते हो, तो अगर आपको शूट नहीं करती ना तो आप बिल्कुल स्किप कर दो हल्दी। और इसके बाद जो हम डालेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही मुल्तानी मिट्टी। तो गाइस, आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर यूज करें यहाँ पे। तो मैंने आधा चम्मच यूज किया है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा हमारे फेस में चिपचिपाहट होने लगती है, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, बहुत ज़्यादा ऑयली हमारी स्किन हो जाती है ना, तो मुल्तानी मिट्टी उसको लॉक करेगी, ऑयल नहीं आपके फेस में आने देगी और साथ ही आपके फेस का चिपचिपाहट भी हटाएगी अगर आप इसे रेगुलर यूज करोगे हफ्ते में 2 से 3 बार। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए सेट होने के लिए, क्योंकि जितना अच्छे से आपका पैक सेट हो जाएगा ना उतना अच्छा आपके फेस में ये काम करेगा। तो इसे आप अपने हाथ पैरों में भी अच्छे से लगा सकते हो, नेक में लगा सकते हो, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और गाइस, अगर यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑयल, तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप जैतून का ऑयल ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया अच्छे से। फेस वॉश करे बगैर आप कभी भी कोई भी फेस पैक अपने फेस पर नहीं लगा, तो मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया, देख सकते हो आप, सिर्फ लिपस्टिक लगी हुई है ओनली। और अभी मैं इसको अपने हैंड से ही अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। तो गाइस, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप आराम से लगा सकते हो, आपका खोया हुआ निखार वापस ला देगा, आपके फेस में चमक आ जाएगी, हल्का सा ग्लो आ जाएगा। आप अगर रेगुलर यूज करोगे ना तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपका फेस पहले से ज़्यादा आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो होता है ना कि मतलब हमारे फेस में दाने या तो थोड़ा सा एक दरदरापन सा रहता है, तो अगर आप ऐसे फेस पैक यूज करोगे ना तो आपके फेस की वो सारी प्रॉब्लम की छुट्टी कर देगा। कभी भी आपको पार्लर जाके फेशियल वगैरह नहीं कराना पड़ेगा, घर पे ही बहुत अच्छी आपकी फेस की क्वालिटी, निखार, पहले से ज़्यादा ग्लोवी, जो हम पार्लर जाके महंगे महंगे फेशियल करवा के भी नहीं शायद पाते हैं, वो आप घर की होम रेमेडी यूज करके आप पा सकते हो। तो गाइस, आप इस तरीके से आपको, तो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगा के, इसके बाद मैं 5 मिनट मसाज कर लूँगी। तो गाइस, और थोड़ा सा बच गया था तो मैंने अपने हैंड में भी इसको लगा लिया था, और मसाज करने के बाद अभी मैं इसको नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूँगी, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्लीन करने के बाद मेरा फेस, ओ माय गॉड, आप मतलब जब आप यूज करोगे ना खुद सेम ऐसे ही निकलेगा, ओ माय गॉड, यही निकलने वाला है आपके मुंह से, इतना इफेक्टिव ये है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने फेस को अच्छे से थपकी दूंगी। थपकी देने से क्या होता है ना, हमारा फेस जो वाइब्रेट होता है ना, तो हमारे फेस में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूँगी रोज वाटर। आप चाहो तो मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, बट मुझे जो अच्छा लगता है ये सब करने के बाद, फेस पैक वगैरह यूज करने के बाद, रोज वाटर तो मेरा फेवरेट है ये, तो मैं रोज वाटर यहाँ पे यूज करती हूँ। आप चाहो तो टोनर भी डाल सकते हो या डायरेक्ट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। तो इसके बाद मैं अपने आइस को कभी नहीं भूलती हूँ ताकि मेरे डार्क सर्कल ना हो। तो इस तरीके से आप फिंगर्स अगर आइस को करते रहोगे ना परमानेंट मसाज, तो कभी भी आपके डार्क सर्कल नहीं होंगे और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा गाइस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने आइस को भी अच्छे से मसाज कर लिया है और पूरे फेस में अच्छे से डैब 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 करके मैं इसको सुखा रही हूँ गुलाब जल को भी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप खुद ही देख रहे होंगे कि कैसा ग्लो आ रहा है स्पेशली मेरे चीक पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से यूज कर दो ना, सच में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें आप।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।